पांच गणेश जी की प्रतिमा का पूजन करने से लोग सम्राट बन जाते हैं, लोग राजा बन जाते हैं, समाज में उनकी महिमा बढ़ जाती है, समाज में उनका बड़ा सम्मान होता है। घर में कोई ऐसी बहू हो ताकि नाक में डुकरिया ने नाक में दम कर दी हो, जीना हराम कर दिया हो, पूरे दिन कोसती रहती हो, या कोई ऐसी डुकरिया हो जिसकी नाक में दम बहू ने कर दी हो, घर में सम्मान नहीं मिल रहा है, सब गालियां गलौज करके दे करके बात करते हैं। इस ग्रंथ की कथा का विश्वास करके पांच गणेश मिट्टी के एक जगह पर बिठा करके छोटे छोटे बना लो, उनकी पूजा करो, अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर देना। नहीं तो इसमें पूरी साल का भी विधान है, पूरा साल पूजन करते रहें, विशेष रूप से चतुर्थी को कर लें और रोज थोड़ा दीवला जलाते रहें, दिया जलाते रहें, थोड़ा चावल चढ़ाते रहें और पानी के चम्मच से पानी छिड़कते रहें, इतने में ही पूरा हो जाएगा। एक साल कर लिया तो आनंद आ जाएगा, लेकिन माताएं एक साल कर नहीं पाएंगी, प्रकृति का ही ऐसा बनाया हुआ कुछ नियम है, महीने के कुछ दिन है, नारी देवी देवताओं को छू नहीं सकती। तो घर के और लोग उस समय, बेटा है, पति है, बेटियां हैं, तो घर में और लोग उस समय उनकी पूजा कर सकते हैं। तो ये पांच जो प्रतिमाएं हैं ये सम्मान दिला देंगी दुनिया में, जो पांच प्रतिमाएं हैं वो आपको राजा बना देंगी, रईस बना देंगी, पंचमूर्ति प्रपूजनात्। यदि पांच गणेश जी को पूज लिया हो, ये टोटली कथा नहीं है, आपने चाहे जितनी कथा सुन ली हो, लेकिन जे कथा नहीं सुनी होगी जो इस समय आप सुन रहे हैं, कहीं नहीं सुनी होगी, मुझे पता है ना टीवी पर क्या कथा चलती है वो भी मालूम है, ज्यादातर ऐसे तो राम कथा भागवत कथा ही होती है, थोड़ी बहुत से पुराण हो जाती है, थोड़ी बहुत माता जी की देवी भागवत हो जाती है। तो ये पांच मूर्ति का, पांच प्रतिमा का ये प्रभाव है। षडमूर्ति पूजया सृष्टि स्थिति प्रलय कृद भवे, जिनके नए नए विवाह हुए हैं, अच्छी संतान को जन्म देना है, वह पति और पत्नी छह गणेश जी की प्रतिमा, मिट्टी की प्रतिमा बना करके वह एक साल तक इनका पूजन कर ले, हर गणेश चतुर्थी को कर ले। एक साल तक ना कर पाए तो एक महीना सावन शुक्ल पक्ष चौथ से लेके और भादों शुक्ल पक्ष चतुर्थी तक कर ले, एक महीना भी ना कर पाए तो ये 10-11 दिन कर ले, इसमें तो 9 दिन का लिखा है, 9 दिन में अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है, 8 से 9 दिन, 8 दिन में अष्ट विनायक की कथा आप सुनेंगे, 8 दिन से लेकर के 1 साल तक का वर्णन किया है ग्रंथ में, तो चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक इन दिनों में, आज 12 तारीख है, आज से लक्ष्मी वैभव शुरू हो रहा है।